नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जांजगीर चांपा पुलिस ने राज्य एवं दिगर राजस्व से किया 125 नग मोबाइल बरामद। मोबाइल पाकर आम नागरिकों के चेहरे में आई मुस्कुराहट। कीमत लगभग 18 लाख रुपए। पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल द्वारा पुलिस लाइन जांजगीर में आम नागरिकों के गुम हुए विभिन्न कंपनी के एंड्रॉइड मोबाइल फोन को वितरण किया गया। जिले के आम नागरिकों द्वारा अपनी एंड्रॉइड फोन के गुम होने की सूचना थानों में दिया गया था, जिसका पता तलाश व खोजबीन साइबर सेल जांजगीर द्वारा किया जा रहा था। जिले में आम नागरिकों के मोबाइल गुम की सूचना पर साइबर सेल द्वारा कुल 125 एंड्रॉइड मोबाइल सेट बरामद किया गया है। अभियान के तहत जांजगीर चांपा जिले के अलावा बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, रायपुर, दुर्ग, बलरामपुर तथा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं अन्य स्थानों से गुम मोबाइलों को बरामद किया गया। बरामद 125 विभिन्न कंपनियों के मोबाइलों की कीमत करीबन 18 लाख रुपए है। साइबर सेल जांजगीर द्वारा जिले में गुम हुए मोबाइल की सूचना को सभी थाना चौकी से एकत्र कर बरामद करने का अभियान चलाया गया। आम नागरिकों को अपने मोबाइल फोन मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन साइबर सेल की तकनीकी सहायता से बरामद कर नागरिकों को वापस करने से जांजगीर पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित किए। आम नागरिकों से अपील है कि अपने मोबाइल को संभाल कर रखें। यदि गुम या चोरी होती है तो तत्काल दस्तावेज के साथ थाना जाकर सूचना देवें। ज्यादातर मोबाइल हाट बाजार, मेला, मड़ई में गुम होते हैं। ऐसे जगहों पर अपने मोबाइल का उपयोग ध्यान से करें। साथ ही यदि किसी व्यक्ति को रास्ते में कोई मोबाइल गिरोह मिले तो उसे तत्काल नजदीकी थाने में जमा करें और अच्छे नागरिक होने का परिचय दें। कोई दुकानदार बिना बिल दिए जिसमें IMEI ना लिखा हो उसे कतई ना खरीदे। हो सकता है वो मोबाइल चोरी का हो या किसी अन्य घटना में उपयोग किया गया हो। यदि इस तरह के कृत्य में शामिल होना पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई किया जाता है। जी, मेरा मोबाइल बताना चाहूँगा। मेरा मोबाइल फरवरी में गुम हो गया था बाजार में, और जिसको आज मेरे को वापस मिला है। इसके लिए मैं यहाँ के पुलिस अधीक्षक और पुलिस इनकी टीम को और छत्तीसगढ़ पुलिस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये इन्होंने मेहनत करके मोबाइल बरामद करके फिर से वापस दिलवाया है इन्होंने। मेरा नाम विंध्य सिंह राठौर है, आम आदमी पार्टी लोकसभा अध्यक्ष है। और कितने संख्या में कितने लागत की होगी? पिछले एक महीने से साइबर सेल जितने भी पिछले 6 महीनों में गुम मोबाइल थे उनकी शिकायतों पर से संज्ञान लेते हुए अलग टीम का गठन किया गया था, और साइबर सेल की टीम द्वारा अलग अलग राज्यों और जिलों में जाकर लगभग 125 मोबाइलों को एकत्र किया गया जो अलग अलग कारणों से गिर गए थे, गुम हो गए थे या नहीं मिल रहे थे। और ये लगभग 17 लाख के आसपास का इसकी कीमत है, और पूरे ज़िले के अलग अलग क्षेत्र के लोग आए हुए हैं जिनके मोबाइल है और आज उनको वापस किया जा रहा है। सर, आपने अभी अभी अभिव्यक्ति ऐप के बारे में बताया है, किस तरह का ऐप है और क्या स्थान अभी तक है उसमें? अभिव्यक्ति ऐप छत्तीसगढ़ पुलिस का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी ऐप है और इसका बहुत बढ़िया प्रतिसाद मिल रहा है। और जांजगीर ज़िले में लगभग 13,000 इसके सब्सक्राइबर्स हैं, और इस ऐप के माध्यम से वो अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं। विशेष रूप से जो पीड़ित वर्ग है, महिला और बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है। इसमें उनको आने की ज़रूरत नहीं है थाने में, और इसमें थाना बुलाया भी नहीं जाता अभियुक्त प्रार्थियों को, और इसमें जो भी उनकी समस्या रहती है उसका त्वरित निराकरण किया जाता है। कई सारे ऐसे मामले हुए हैं जिसमें अभिव्यक्ति ऐप में शिकायत आने के बाद FIR हुआ है और लोगों को राहत पहुँची है। थैंक यू।